वेलकम फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस टॉप ट्वेंटी एमसीक्यू ऑन बी आर अम्बेडकर विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर दिस इज़ अ सेट नंबर सेकंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सेट नंबर वन इन विच वी डिसकस्ड टॉप ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू ऑन कुटिल्या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्ले चैनल की प्ले में जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं इसी तरीके से हमने वेस्टर्न पोलिटिकल थिंकर्स को सीरीज़ वाइज़ कवर करने का प्रयास किया वहाँ पे ऑलरेडी एलेवन लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है चैनल के प्ले में जाकर वो वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं प्ले अलग से बनी हुई है तो हमने सी क्यूज़ को इस तरीके से कवर नहीं किया कि आपको क्वेश्चन और उसके आंसर दिखाए जाएंगे हमने पूरा उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में कवर करने का प्रयास किया ताकि जो जो भी हम टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करें वो होल टॉपिक जो है आपको क्विकली रिवाइज हो सके 20 25 या 30 मिनट जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी उस वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए और हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस लिए हैं वो पॉलिटिकल थाट्स के ऊपर ही लिए हैं ऐसे तो बी आर अम्बेडकर के ऊपर आप एम को फ्रेम करने जाओ तो बहुत से एम फ्रेम हो जाते हैं उनके बर्थ्स के ऊपर उसके उनकी डेथ्स के ऊपर या फिर उन उनकी प्लेस ऑफ बर्थ इस तरीके से मैंने एमसीक्यू नहीं बनाए हैं हम मैंने ज़्यादातर उनकी जो पॉलिटिकल थाट्स हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है जो अक्सर पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीड चैन चैनल की कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे को फीडबैक जरूर दे सकते हैं तो चलिए फर्स्ट एम के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट फाउंड बाई बी आर अम्बेडकर टू सीक जस्टिस डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर दलित दलित के लिए दलित के वो एक ग्रेट लीडर माने जाते हैं बी आर अम्बेडकर उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया उन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिस, जो बी आर अम्बेडकर के साथ बिलोंग नहीं करती या फिर उन्होंने फाउंड नहीं की है उनके द्वारा नहीं बनाई गई है ऑप्शन ए बहिष्कृत हित करनी सभा ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑप्शन सी द्रविदा काजागम ऑप्शन डी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तो राइट आंसर क्या होगा बहिष्कृत हित करने सभा किसके द्वारा बनाई गई बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी उन्हीं के द्वारा और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी उन्हीं के द्वारा और द्रविदा काजागम जो है ये साउथ की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके द्वारा फाउंड की गई थी ई वी रामे स्वामी नाइकर के द्वारा तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी तो द्रविदा काजागम जो है सोशल मूवमेंट चलाई गई थी किसके द्वारा ए वी रामास्वामी नायकर के द्वारा जो किसके अगेंस्ट थी ब्राह्मणिकल एंड हिंदी डोमिनेंस के अगेंस्ट थी ठीक तो बाद में इन्हीं इसी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो है डीएम और ए आई डी एम के पार्टीज जो है आज की जो पार्टी हैं वो फ्रेम हुई थी वो उसी विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी इन्हीं द्रविदा का सोशल मूवमेंट को से प्रेरित दोनों ही पार्टी हैं, जो आज का बहुत बड़ा डोमिनेंस रोल प्ले करती हैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी किस कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर ऑप्शन ए यूनियन पावर कमेटी ऑप्शन बी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑप्शन सी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्राफ्ट कमेटी तो राइट right आंसर क्या है किस कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था तो वो उसके चेयरमैन थे उसके सेवन मेंबर थे टोटल यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो किसके द्वारा लीड की गई थी ज्वाला नेहरू के द्वारा और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो सरदार पटेल के द्वारा लीड की गई थी बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे किसके ड्राफ्टिंग कमेटी के ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड विच अमंग द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिक प्रेडिकल्स वॉज स्टार्टेड बाई बी आर आम्बेडकर कौन सा जर्नल जो है बी आर आम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑप्शन ए केसरी ऑप्शन बी मूक नायक ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन ऑप्शन डी बंदे मातरम तो राइट आंसर क्या होगा कौन सा जर्नल बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी केसरी जुआ था वो किसके द्वारा किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुक नायक आपको मैंने बताया बी आर अम्बेडकर के द्वारा और ऑप्शन नंबर सी जो है इंडियन ओपिनियन ये किसके द्वारा किया था महात्मा महात्मा गांधी गांधी का गांधी जी के द्वारा और मातरम था वो किसके द्वारा किया गया था कौन उसको एडिट करता था अरविंदो घोष बी आर अम्बेडकर ने पांच जो है प्रेडिकल स्टार्ट किए थे फॉर द डिफेंस ऑफ दलित राइट्स दलित के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है बहुत सारा काम किया तो उन, उन वो पांच जनरल थे जो उनके इंपॉर्टेंट थे पहला तो मूक नायक जिसका मतलब द लीडर ऑफ द डम 1920 में स्टार्ट किया बहिष्कृत भारत ऑस्ट्रिच इंडिया 1924 में किया गया समानता इक्वालिटी 1928 में जनता द पीपल 1930 थर्टी प्रबुधा भारत इनलाइट इंडिया जो कब लिखी गई थी नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चूज द क्लासिकल हिंदू टेक्स्ट विच वॉज कंडेम्ड बाई बी आर आम्बेडकर किस क्लासिकल हिंदू टेक्स्ट को जो है बी आर अम्बेडकर उसकी निंदा करते हैं तो ऑप्शन ए रामायण ऑप्शन बी भागवत गीता ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति तो किस हिंदू टेक्स्ट को बी आर अम्बेडकर जो है कंडेम्ड करते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति क्योंकि मनुस्मृति जो है वो कास्ट सिस्टम को जस्टिफाइज करती है जो बर्थ के बेसिस पे जो कास्ट सिस्टम है उसको डिफाइन करती है उसको जस्टिफाई करती है तो इसलिए मनुस्मृति ध्यान दिन भी मनाया जाता है जो पहली बार कब स्टार्ट किया गया था ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द पूना पैक्ट वह साइन बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड पूना पैक्ट जो है किसके बीच में साइन किया गया था बी आर अम्बेडकर और दूसरा कौन था ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी एम के गांधी ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम के गांधी जो पूना पैक्ट था वो एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन किया गया था ये कब साइन हुआ था इन नाइनटीन ठीक है साइन द पूना पैक्ट दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेट क्लासेस डिप्रेस क्लासेस को या फिर दलित को जो है वो रिजर्वेशन दी गई थी हालांकि जो रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन की डिमांड नहीं की जा रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जा रही थी लेकिन बाद में उनको जो है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर बीच में समझौता हुआ एक एग्रीमेंट हुआ उन्होंने कहा कि डिप्रेस क्लासेस को जो है सीट्स दी जाएंगी रिजर्व uh, रखी जाएंगी उनके लिए सीट ना कि उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बी आर अम्बेडकर गिवन भारत रत्न बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था ऑप्शन ए नाइनटीन फिफ्टी फाइव ऑप्शन बी नाइनटीन नाइन्टी ऑप्शन सी नाइनटीन नाइनटी नाइन ऑप्शन डी नाइनटीन नाइनटी एट द राइट आंसर इज कौन से वर्ष में दिया गया था उनको भारत रत्न नाइनटीन नाइन्टी में दिया गया था जो भारत रत्न है वो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का तो उनको 1990 में दिया गया था क्वेश्चन नंबर सेवन चूज द वर्क विच इज़ नॉट बिलोंग टू बी आर अम्बेडकर कौन सा वर्क जो है वो बी आर अम्बेडकर के साथ बिलोंग नहीं करता या उनके द्वारा नहीं लिखा गया ऑप्शन ए गुलामगिरी ऑप्शन बी एनिहेलेशन ऑफ कॉस्ट ऑप्शन सी हु ऑप्शन डी बुद्ध एंड हिज धर्म द राइट आंसर इज कौन सा इसमें सही होगा द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुलामगिरी गुलामगिरी जो है किसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है ये ज्योतिबा फूले जो एक सोशल रिफॉर्मर थे उनके द्वारा लिखा गया था बाकी जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है हुवर शुद्राज एंड एन बुद्ध एंड धर्मा ये तीनों वर्क जो हैं ये बी आर के साथ बिलोंग करते थे नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है और इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं बी आर अम्बेकर के एनिलेन ऑफ कास्ट जो 1936 में लिखा गया शूद्रास जो है 1946 में लिखा गया द अनटचेबल जो 1948 फोर्टी एट में और बुद्धा धर्मा जो लास्ट वर्क था उनका नाइनटीन में लिखा गया पब्लिश हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय बी आर अम्बेडकर कौन सी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तीन हुई थी कहाँ पे हुई थी लंदन में हुई थी तो बी आर अम्बेडकर ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था पहले वाली को या सेकेंड वाली को या थर्ड या फिर तीनों को ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही है उन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था Uh, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई सेकंड 1931 में और थर्ड जो है 1932 में हुई और तीनों को बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सपुरू जी ने अटेंड किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वाज सपोर्टेड बाई बी आर अम्बेडकर किस प्रकार की डेमोक्रेसी को बी आर अम्बेडकर सपोर्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या फिर ऑप्शन फोर पोलिटिकल डेमोक्रेसी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए है वन एंड टू मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी या वन ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री या फिर ऑप्शन नंबर डी वन टू थ्री एंड फोर तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही है क्योंकि वो सभी प्रकार की इन चारों प्रकार की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे वो उनका मानना था कि विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग ठीक है इसी तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करते थे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे सोशल इकोनॉमिक जहाँ पे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस एंड ह्यूमन डिकनिटी को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए ठीक और राइट ऑफ अनटचेबल्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ना कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को कैसे टायरनी ऑफ मेजार्टी को मेजॉरिटी से माइनॉरिटी को कैसे बचाना है तो वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफ या फिर प्रोविजन मैंशन किए थे क्वेश्चन नंबर टेन चूज द इन स्टेप गिवन बाय बी आर अम्बेडकर टू द अनटचेबल टू इम्प्रूव देयर कंडीशन अनटचेबल को अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप बताए थे ऑप्शन ए दे शुड बिल्ड देयर ओन स्ट्रांग आर्मी अपनी एक स्ट्रांग आर्मी बनाने के लिए उन्होंने कहा ये ऑप्शन नंबर बी दे शुड एजुकेट देम अपने आप को शिक्षित करना ये ऑप्शन नंबर सी ऑल फॉर्म्स ऑफ कास्ट मस्ट बी अबॉलिश्ड कास्ट सिस्टम को अबॉलिश जितनी भी कास्ट कास्ट फॉर्म की फॉर्म्स हैं उनको एबॉलिश करना दे शुड रिफ्यूज टू डू द ट्रेडिशनल अनटचेबल वर्क जो भी ट्रेड अन टचेबल जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो वर्क चले आ रहे हैं अनटचल के द्वारा किए जाते थे उनको कहा कि अनटचेबल को उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वर्क को उनको छोड़ना चाहिए तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि दे शुड बिल्ड देयर ओन स्ट्रांग आर्मी ये उन्होंने नहीं कहा था उन्होंने फाइव जो है स्टेप्स uh, बताए थे अनटचेबल्स को अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पहला तो अनटचेबल वर्क को छोड़ दीजिए एजुकेट दम सेलो अपने आप को शिक्षित कीजिए और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लीजिए उनमें पार्टिसिपेट कीजिए बढ़ चढ़ कर एंड दे शुड यूज़ लीगल सेफ को अपनाइए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दे राइट्स ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन अरेंज द फॉलोइंग अम्बेडकर राइटिंग्स इन द आर्डर इन विच दी आर अम्बेडकर जी की जो राइटिंग्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए द अनटचेबल्स हु वर्ष द शुद्राज एनीशन ऑफ कास्ट द बुद एंड इज द तो सबसे पहले कौन सी यहाँ पे लिखी गई थी किताब एनी हिलेशन ऑफ कास्ट जो है नाइनटीन थर्टी सिक्स में लिखी गई है तो थर्ड फर्स्ट नंबर पे आएगा फिर उसके बाद हु शूद्राज जो नाइनटीन फोर्टी सिक्स में लिखी गई है द अनटचेबल जो है 1948 में लिखी गई अंदर इस दमा ये 1957 में लिखी गई तो इस प्रकार से रा, राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर वन जो है वो राइट आंसर है अगर मेरी वीडियो की रफ्तार आपको थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पास करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा से चला सकते हैं तो उनके इंपॉर्टेंट वर्क एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो पब्लिश हुआ था 1936 में हुवर शूदराज नाइनटीन फोर्टी में द अनटचेबल्स टचेबल्स

ऑप्शन डी नन ऑफ दी तो उनका क्या मानना था वुमेन के लिए प्रति तो वो गिव इक्वल स्टेटस टू वुमेन वुमेन को इक्वल स्टेटस देते थे तो उनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है जो हमें ये बताती है कि उनके क्या विचार थे वुमेन्स को लेकर उनको क्लियरली स्पष्ट कर देती है फेमस स्टेटमेंट है आई मेयर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी मैं कम्युनिटी की जो समुदाय की जो प्रोग्रेस है जो तरक्की है उसको इस किस में मेयर करते हैं बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच इट्स वुमेन है अचीव जो उस कम समुदाय की वूमेंस ने अचीव किया है उसी को देखते हुए वो कम किसी भी कम्युनिटी का प्रोग्रेस का अंदाजा लगाते हैं तो ये उनके विचार थे क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु काइन द टर्म हरीजन्स जो टर्म हरीजन्स है वो किसके द्वारा कायन की गई है हरिजन्स मीन्स क्या होता है ठीक है फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी एम के गांधी बी आर अम्बेडकर डी ज्योतिबा फूले तो इन चारों में से कौन सा सही होगा किसने टर्म काइन किया था तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है एम के गांधी जी ने जो है टर्म हरिजन जो है काइन की गई थी तो बी आर अंबेडकर जी जो अंटा उनको क्या कहते थे उनको उन्होंने नाम दिया दलित का ठीक है एम के गांधी ने जो टर्म हरिजन काइन की थी वो उन उसका मीनिंग है चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड बी आर अम्बेडकर जो है वो जो अनटचेबल्स टचल उनको दलित कहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच सत्याग्रह वॉज लीड बाय बी आर अम्बेडकर कौन सा सत्याग्रह जो है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लीड किया गया था ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन बी भारदोली सत्याग्रह ऑप्शन सी महत सत्याग्रह या फिर ऑप्शन नंबर डी वेखोम सत्याग्रह तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह जो आपको बताइया महात्मा गांधी जी ने लीड किया था बरदौली सत्याग्रह सरदार पटेल जी ने और वेखोम सत्याग्रह जो है वो ई वी स्वामी रामास्वामी नाइकर जी के द्वारा किया गया था और महा सत्याग्रह जो है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था महासत्याग्रह में क्या इशू था ताकि जो अनटचेबल्स हैं वो महाठ डिस्ट्रिक्ट में जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एक महाठ प्लेस था वहाँ पे लोगों को वो है जो पब्लिक टैंक से पानी लेने की इजाजत नहीं थी ड्रिंक पीने के पानी की तो उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने सत्याग्रह किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पूना पैक्ट पूना पैक्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है पूना पैक्ट वॉज हेल्ड से पूना पैक्ट कब साइन हुआ था 24 सितंबर 1934 को साइन हुआ था या ऑप्शन नंबर बी पूना पैक्ट हमने कौन सा सही नहीं है ये बताना पूना पैक्ट टुक प्लेस बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की जी के बीच में हुआ था या फिर इन पूना पैक्ट द राइट टू तो सेपरेट इलेक्टोर एंड टू वोट्स फॉर दलित्स वो वॉज एबॉलिश्ड जो सेपरेट इलेक्टोरल और दो वोट्स की बात जो हुई थी वो रिजेक्ट की गई थी आफ्टर पूना पैक्ट द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर दलित वॉज इंक्रीज पूना पैक्ट के बाद जो दलित के लिए जो सीट रिजर्व रखी गई थी वो इंक्रीज की गई थी फ्रॉम सेवेंटी वन इन प्रोवेंशियल लेजिस्टर वन फोर्टी सेवन इंक्रीज कर दी गई थी एंड एटीन परसेंट जो है रिजर्व रखी गई थी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर तो इनमें से क्या सही नहीं है द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्योंकि पूना पैक्ट जो है वो साइन का हुआ था नाइनटीन थर्टी टू में ना कि थर्टी फोर में ठीक है जो पूना पैक्ट है वो साइन हुआ था किस किस के बीच में महात्मा गांधी जी के और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में महात्मा गांधी उस समय जो है फास्ट ऑन टू डेथ पे चले गए थे जर्वदा जेल में थे वो तो उन दोनों के बीच में जब समझौता हुआ तो सेपरेट इलेक्टोरल को छोड़ दिया गया था उस उसके बाद जो है सीट जो है रिजर्व करने की बात कही गई थी इस पर जो है दोनों का एग्रीमेंट हो चुका था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वाज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन जो बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन ये किसके द्वारा लिखी गई ऑप्शन ए महात्मा गांधी ऑप्शन बी एम एन रॉय ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा कौन सी इनमें से किताब लिखी गई है ऑप्शन ए लेटर फॉर नेशन ऑप्शन बी थाट्स ऑन पाकिस्तान ऑप्शन सी थाट्स ऑन इंडिया ऑप्शन डी ट्रेन टू इंडिया तो राइट आंसर इज कौन सी किताब लिखी गई है थाट्स ऑन पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है पाकिस्तान में जो है बी आर अम्बेडकर जी डिस्कस करते हैं कि कैसे सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स आगे बढ़ी जो मुस्लिम लीग के द्वारा चलाई गई तो और कांग्रेस uh, पार्टी ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे रोल प्ले किया पार्टीशन ऑफ इंडिया में तो उसमें क्लियरली uh, जो है वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन फ्रॉम विच स्टेट भीमराव अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑन अप्रैल अप्रैल को वो किस स्टेट से जो है राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे ऑप्शन ए केरला ऑप्शन बी गुजरात ऑप्शन सी बॉम्बे ऑप्शन डी कोलकाता तो राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे से वो इलेक्ट हुए थे और 1950 में इलेक्ट हुए और जब तक उनकी डेथ होती है तब तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपोज बाय अम्बेडकर कौन सा आर्टिकल जो है उसके उसको अपोज किया था बी आर अम्बेडकर ने जब उसका इंक्लूजन की बात आई तो उसको उसको अपोज किया गया था तो राइट right आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड सिक्सटीन या आर्टिकल फोर्टीन या आर्टिकल थ्री सेवनटी या आर्टिकल टू एटी तो राइट आंसर क्या होगा कौन सा आर्टिकल जो है वो बी आर अम्बेडकर जी ने उसको उसका विरोध किया था तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आ, थ्री आर्टिकल थ्री हंड्रेड सेवेंटी जो अभी जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को उस आर्टिकल को उसके इंक्लूजन पर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है अपना विरोध प्रकट किया था पार्लियामेंट में आर्टिकल जो अभी रिमूव किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो नेक्स्ट विच आर्टिकल इज कंसिडर एज अ साउल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल को सोल ऑफ इंडिया कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर के मुताबिक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोल ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए टू ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स में क्या है रिट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स आर्टिकल फोर्टीन राइट टू इक्वालिटी या ऑप्शन नंबर सी फिफ्टीन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल थर्टी टू राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी टू या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिडी तो किस कॉन्स्टिट्यूशन को वो साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल थर्टी टू किसके बारे में अम्बेडकर कंसीडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमीडी आर्टिकल थर्टी टू एज साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी अगर वीडियो का लग रहा है कि आपको ये सीरियस आपके लिए जो मैंने स्टार्ट की है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दे सकते हैं जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट ट्यून विद चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड सच टाइप ऑफ वीडियोस थैंक यू